वेलकम टू जयंती किचन क्वीन। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पहले देख लीजिए इन हरियाली को और इन हरियालियों में रंग बिरंगे पौधों को बहुत प्यारे लग रहे थे, इसलिए मैंने कुछ यहाँ का वीडियो शूट किया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो फ्रेंड्स, आगे मैं बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था उन दिनों। पहले मेरी बहन के बर्थडे का केक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया था। स्पॉन्ज किस तरह से बनाया जाता है फ्रेंड्स, मैंने वो अपने चैनल पे डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने 1 कप व्हाइट जो क्रीम है वो मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैंने रेड फूड जेल कलर 1 to 2 ड्रॉप इसमें डाल के, और यहाँ लाइट पिंक कलर का हमें केक बनाना था। तो मैंने यहाँ पे क्रम कोट करके आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था केक को। उसके बाद जो ऊपर का कलर था वो लाइट पिंक कलर का मुझे डालना था। तो पहले मैंने पैलेट नाइफ की हेल्प से, या फिर आप पाइपिंग बैग की हेल्प से, आप यहाँ पे क्रीम अप्लाई करके अच्छे से यहाँ पे क्रीम स्मूथली स्पॉन्ज में लगा लेनी होती है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे पैलेट नाइफ की हेल्प से थोड़े थोड़े क्रीम को यहाँ अप्लाई करके अच्छे से स्मूथ कर दिया है, और धीरे धीरे जहाँ पे स्मूथ नहीं हो रहा है वहाँ पे फिर से मैंने क्रीम लगा के अच्छे से यहाँ पे स्मूथ कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं ये देना चाहूँगी कि पैलेट नाइफ का जब भी आप यूज़ कर रहे हो, जब भी आप क्रीम अप्लाई कर रहे हो, थोड़ी सी क्रीम को अप्लाई कीजिएगा और साइड में एक थोड़ा सा गीला कपड़ा आप रखिएगा, उससे पैलेट नाइफ को नीट एंड क्लीन करके फिर से यहाँ पे आप स्मूथ कीजिएगा पैलेट नाइफ से। तो आप दिखाए गए वीडियो में देख रहे हो, साइड में या तो स्कैपर रखे हैं या फिर आप कपड़ा रखिए, चॉइस आपकी है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे साइड में एक कपड़ा रखा था, पैलेट नाइफ से यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम को अप्लाई किया, अच्छे से स्मूथ किया, बीच बीच में मैं कपड़े से उसे पोंछती जा रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने स्क्रैपर से भी अच्छे से यहाँ पे इसे स्मूथ कर दिया है। ऊपर अच्छे से स्मूथ नहीं था तो फिर से मैंने पैलेट नाइफ से अच्छे से इसे स्मूथ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने ब्रश की हेल्प से यहाँ पे ऊपर से इस तरह कुछ डिज़ाइन दे दिया है। तो आप चाहो तो पैलेट नाइफ से भी यहाँ पे डिज़ाइन दे सकते हो, और अगर आपके केक स्मूथ नहीं हो रहे हैं फ्रेंड्स तो आप इस तरह से आप डिज़ाइन दे सकते हो। मैंने उस क्रीम में 1 to 2 ड्रॉप फिर से रेड फूड जेल कलर डाला, और N1 नोजल हमने लिया था नूर का, और यहाँ पे 3 फ्लावर इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। अगली बार हमने एक बाउल में थोड़े से क्रीम को मैंने वहाँ पे ले रखा, और 1 to 2 ड्रॉप हमने लाइट पिंक कलर लिया, और इस क्रीम को, डेट मीन्स चेरी पिंक जो हमारे कलर थे, वो क्रीम को मैंने वहाँ पे 1 to 2 टेबल स्पून उसी क्रीम में मैंने मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे हमने N2 नोज़ल लिया है, और यहाँ पे हमने N2 नोज़ल से इस तरह से फ्लावर यहाँ पे बना लिया है। तो मिला जुला कर अगर कहा जाए फ्रेंड्स तो सारे कलर पिंक ही हैं, बट थोड़ा सा उसका कलर कम और ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर फ्लावर बनाने के क्रम में आपके फ्लावर ख़राब हो जाते हैं तो घबराने की बात नहीं है, छोटी वाली जो पैलेट नाइफ होते हैं उसकी हेल्प से यहाँ पे आप क्रीम को, डेट मीन्स आप अपने फ्लावर को वहाँ से हटा के, और फिर से आप जो भी नोज़ल ले रहे हो उससे आप इस तरह से फ्लावर बना सकते हो फ्रेंड्स। अगली बार फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 ml नोज़ल लिया है, और उसी क्रीम में मैंने थोड़े से क्रीम को और ऐड कर लिया था, डेट मीन्स चेरी जो मेरे चेरी पिंक थे उसमें थोड़े से मैंने व्हाइट क्रीम को ऐड करके यहाँ पे मैंने 2 ml से बना लिया। फिर स्टार नोजल से मैंने यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बना लिया। तो स्टार वाले मेरे तो वही थे मेरे कलर, और 2 ml वाले भी वही थे, और डॉट डॉट मैंने 2 ml स्टार नोज़ल और N1 का नोज़ल और N2 से हमने वहाँ डॉट डॉट कर दिया। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने 1 to 2 टेबल स्पून न्यूट्रल जेल लिया था, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून पानी को हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया था। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने गोल्डन डस्ट यहाँ पे डालनी है जो एडिबल होते हैं, और पहले यहाँ न्यूट्रल जेल को अच्छे से मिक्स कर लेनी होती है पानी में फ्रेंड्स। डेट मीन्स 1 टेबल स्पून पानी हमने यहाँ पे ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पे 1 to 2 पिंच हमने गोल्डन डस्ट कलर यहाँ पे डाल दिया है, जो पाउडर फॉर्म में आती है वो मैंने यहाँ पे डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मुझे पानी थोड़ी सी कम लग रही थी फ्रेंड्स, तो बाद में मैंने फिर से 1/2 टेबल स्पून पानी डाल के अच्छे से वहाँ पे मिक्स कर दिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स, ब्रश की हेल्प से या फिर आप चाहो तो पाइपिंग बैग की हेल्प से साइड के किनारों को इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, और जिस केक का डिजाइन हमने देखा था उनके लिए वो इसी तरह से था, बट कलर थोड़ा सा अलग था फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे पिंक कलर बनाया था,
और इसके स्पॉन्ज में फ्रेंड्स हमने मैंगो क्रश डाला था और यहाँ पे उसी ब्रश से हमने ड्रिपिंग करनी है। तो ड्रिपिंग इस तरह होनी चाहिए फ्रेंड्स कि एक ड्रिपिंग थोड़ा ज़्यादा नीचे की ओर होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए वो थोड़ा कम होना चाहिए। ड्रिपिंग इसी तरह से होनी चाहिए। और अगर फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि पाइपिंग बैग से अगर आप बनाना चाहते हो तो आप पाइपिंग बैग से भी यहाँ पे आप बना सकते हो। और ये जो ड्रॉ हो रही है ड्रिपिंग, ये हमारी बिटिया ने किया था और उन्हें ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये मम्मी मुझे करने दो, तो मैं उन्हें इस तरह से करने दे रही हूँ। और इस तरह से हमारा जो केक है बनके तैयार होता जा रहा है। फ्रेंड्स ये केक मैंने अपनी बहन के बर्थडे पे बनाया था और वो हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए कह सकते हो फ्रेंड्स कि हमारे आँखों का तारा है। और इस तरह से हमारी जो केक है जो हमने अपनी बहन के लिए बनाया था, इस तरह से वो बन के तैयार होती जा रही है। और यहाँ पे हमने N1 नोजल से नीचे स्टार दे दिया है और एक रोज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। फिर से मैंने स्टार ऊपर में कुछ कम लग रहे थे, मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है फ्रेंड्स। कहीं कहीं पे इस तरह से थोड़े से हमें कम लग रहे थे तो मैंने उसी से, डैट मीन्स N1 नोजल से ही इस तरह से ऊपर से डॉट डॉट टाइप का मैंने दे दिया है। और अगली बार फिर मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने स्टार नोजल से इस तरह से रूस का डिज़ाइन दे दिया है और डिज़ाइन कुछ इसी तरह से थी। तो एक साइड में और उसके, डेट मीन्स कहने का मतलब एक सबसे फर्स्ट में, बीच में हमने N1 नोजल से, उसके फिर अगले बार हमने स्टार नोजल से इस तरह रोज ड्रॉ कर दिया। फ्रेंड्स अगर आपके पास स्टार नोजल नहीं है तो 46 नंबर का नूर का 46 नंबर का जो नोजल आता है उससे स्टार अच्छे से बन जाते हैं। और यहाँ पे हमने केक को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए ऊपर गोल्डन एडेबल बॉल आती है जो शुगर की होती है, वो हमने स्प्रिंकलर कर दिया और कुछ इस तरह से हमारी केक बन के तैयार हो गई थी। और फ्रेंड्स केक के स्पॉन्ज और केक क्रीम चीज़ केक, रेड वेलवेट केक क्रीम किस तरह से बनाया जाता है, वो सारी की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, अगर आप बिगनर भी होगे तो आराम से केक को स्टेप बाय स्टेप देख के आप बना सकते हो घर में। तो सारी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आराम से टाइम निकाल के उसे वॉच जरूर कीजिएगा। और ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा केक बन के तैयार हुआ था। घर जाने के बाद भाई साहब ने यहाँ पे इको पार्क का प्रोग्राम बनाया, तो यहाँ पे हम लोग विद फैमिली इको पार्क आए थे, वो लोग पीछे थे इसलिए उन लोगों का वीडियो बहुत कम ही होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड, हमारी बेटी वीडियो यहाँ पे शूट कर रही हैं और हमारे छोटे वाले बच्चे, और हम यहाँ पे थोड़े से घूमने के लिए आए थे ताकि मूड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, एग्जाम के बाद थोड़ा सा हम लोग बहुत ज़्यादा ये हो गए थे। और यहाँ पे हमारी बिटिया रानी, यहाँ पे सारे बच्चे इको पार्क में थोड़ा सा झूला वगैरह झूले, थोड़ा सा स्लाइड वगैरह हुआ और इसी तरह से हमारा कुछ अच्छा सा पल गुजर रहा था। और यहाँ पे मुझे फ्लावर बहुत अच्छे अच्छे नज़र आ रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारे जो हरियाली है मैं आप लोग साथ शेयर करूं और एक एक मैं इस तरह थोड़े थोड़े वीडियो और साथ में फ़ोटो भी मैं वहाँ पे क्लिक करवाती जा रही हूँ, फ़ोटो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और ये हमारे हस्बैंड, सभी बच्चे ने बहुत इंजॉय किया था, वो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, बच्चे हमारे पास थे इसलिए मैंने कुछ हरियाली और कुछ फ्लावर को आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बच्चे बहुत खुश थे। और ये देखिए कुछ इन दिनों का इस तरह का, डेट मीन्स इन दिनों के सीजन का कुछ इस तरह का फ्लावर है फ्रेंड्स, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं इसे इस तरह से मैंने कुछ कुछ वीडियो मैंने अपनी बेटी को कहा कि शूट करो। और ये जो था फ्लावर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने कहा इसे थोड़ा सा आराम से वीडियो वगैरह शूट कर लो। और ये देखिए फ्रेंड्स पटना के इको पार्क का MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत प्यारा था, बच्चों के लिए तो बहुत ही इंस्पायरेशन वाला चीज़ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। और यहाँ पे फ्रेंड्स लीफ का बना हुआ डायनासोर था, मेरे बेटे को तो डायनासोर बहुत पसंद है इसलिए हमने इनका पिक लिया, वीडियो भी बनाया। और एक साइड एलिफेंट था जिनका वीडियो या पिक नहीं है मेरे पास। और ये छोटे छोटे पॉट में इतने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं और मेरे वीडियो से जो जुड़े हुए हैं लंबे समय से उन्हें तो पता ही होगा कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। और ये देखिए कुछ इस तरह का हमने पिक खिंचवाया। और ये देखिए हमारे हस्बैंड के साथ हमने कुछ पिक लिया था, हमारे यहाँ पे बच्चे कुछ हमने इस तरह का पिक लिया था, बहुत अच्छी सी हरियाली थी तो मैंने अपनी बेटी के साथ भी पिक लिया था। और ये देखिए मैरी गोल्ड बहुत अच्छे थे। और लास्ट में जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोग सारे फैमिली लोग इस तरह का पिक लिए थे। और ये हमारे भाई साहब अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चे के साथ कुछ
और मम्मी के साथ उन्होंने पिक लिया था, ये कहीं और का था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और ये देखिए शाम का टाइम हो चुका था, बर्थडे शुरू हो चुका था, हम लोगों ने कपड़ा चेंज कर लिया था। यहाँ पे थोड़े से अलग अलग आप लोगों को लोग दिखेंगे और मुझे घर भी आना था, रात का समय भी होने वाला था, करीब 9 बज चुका था फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए हमारी बहन बहुत रिलैक्स मूड में यहाँ बैठी हुई है, सभी थकी हुई थी और थोड़ा सा सब स्माइल करते हुए यहाँ पे हमने केक को रखा। और यहाँ पे थोड़ी सी हंसी ठिटोली चल रही है, जिसके साथ यहाँ पे देखिए हमारे छोटे वाले बेटे माचिस यहाँ पे लेके आए हैं और यहाँ पे हमारे भाई जो है अपनी बेटी को क्रॉन पहनाते हुए कुछ इस तरह से कैंडल जलाया गया, कैंडल ब्लो हुआ। और यहाँ पे हमारे बेटे का कहना था, मम्मा हम नाइफ से केक को कट करेंगे। फिर हमने उनसे नाइफ लिया और अपनी बहन को दिया। और ये देखिए हमारी प्यारी सी गुड़िया कुछ इस तरह से बैठी हुई है रिलैक्स मूड में। फ्रेंड्स इनको देखने के बाद मुझे अपने पापा का याद आ जाता है, क्योंकि जस्ट पापा भी इसी तरह से बैठा करते थे। हर एक चीज़ उनकी जो है वो पापा से मैच करती है, इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि तुम तो पापा की लाडली ही हो, और वो एक्चुअली में पापा की लाडली हैं। और ये देखिए उन्होंने केक कट किया, मम्मी को खिलाया, उसके बाद उन्होंने अपने भैया को खिलाया और इधर हमने उन्हें खिलाया क्योंकि बहुत रात हो रहा था। फिर हमने इन्हें इस तरह से खिला दिया। और ये देखिए यहाँ पे मेरे भाई ने केक के क्रीम को उनके चेहरे पे इस तरह से लगा दिया जैसे कि मानो होली है। और कुछ केक बच गया था तो उन्होंने खुद खा लिया, जस्ट पापा के जैसी भी हैं वो। और इस तरह से हमारे भाई और बहन का कुछ इस तरह से प्यारा सा फोटो जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये हमने केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी। तो ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, अपने कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव को हमेशा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स दीजिए इजाज़त कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ वक्त के लिए, ताकि जयंती किचन को इनके खजाने से एक प्यारी सी रेसिपी ढूंढकर मैं जल्द ही लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी और बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।